हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एलडीआर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और साथ के साथ इसका बेसिक प्रिंसिपल भी समझाते हुए मैं एंड में आपको एक एलडीआर कंट्रोल्ड नाइट लाइट बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलडीआर की फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होती है, और ये जो डायग्राम है इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो सेंटर वाली जो लाइन है जो कि स्पाइरल शेप में है, ये कैडमियम सल्फाइड का ट्रैक है जो कि एक सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब ये एलडीआर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है जो कि दिखाता है कि दोनों इसके मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स के बीच में ये एक एक्टिव लेयर है जो कि लाइट पड़ने पर एक्टिव हो जाती है। ये एलडीआर का ग्राफ है जो कि साफ साफ शो करता है, अगर ये लाइट में रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर ये डार्क में रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब एलडीआर की यही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि जैसे ही रात होगी तो हमारी लाइट अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और जैसे ही सुबह हो जाएगी तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वो वाला सर्किट पूरी तरीके से बना लिया, ये वो छोटा सा सर्किट है, और ये हमारा एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसको मैंने 12 वोल्ट पावर दे दी है। इसके साथ मैंने एक रिले भी ऐड करा है विद फ्लाईबैक डायोड, ताकि मैं 220 वोल्ट बल्ब को ऑन ऑफ कर सकूं इजीली। और ये मैंने एक छोटा सा बल्ब लिया है, वरना अगर मैं बड़ा लेता तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डायोड रिले में क्यों लगाते हैं मैं ये समझाऊंगा। ये मैंने सर्किट ऑन कर दिया क्योंकि अभी रूम की लाइट इंटेंसिटी कम है, इसलिए ये एलडीआर अभी एक्टिव नहीं है। अब जैसे ही मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट इसके सामने लेकर जाऊंगा तो ये एलडीआर एक्टिव हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आप इसे अपने एज अ स्कूल प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट है। और ये जब सनलाइट में है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और ये अगर हम इसके ऊपर एक एलईडी भी जलाएं तो भी ये काम कर जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्विचिंग में काम करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सर्किट है। इसकी वर्किंग बिल्कुल एनटीसी की तरह है, और अगर आप नहीं जानते कि एनटीसी क्या है तो उसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इसकी सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर की जगह 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा दें, उससे ये रूम की लाइट में भी अच्छे से वर्क करेगा। और कल मैं वीडियो बनाऊंगा कि रिले के साथ एक डायोड क्यों लगाया जाता है, और रिलेस और ऑप्टोकपलर्स क्या होते हैं, और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली न्यू वीडियो मिस ना कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।